हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालियां शाला रिएक्शन। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। राम मंदिर की सेरेमनी होने ही वाली है और देखते हैं कि पूरे भारत से कितने महंगे और कौन कौन से गिफ्ट जी राम मंदिर भेजे गए। वीडियो देखते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर, इंस्टाग्राम पर काइंडली फॉलो कर लिया करें। चलो स्टार्ट द वीडियो। कहा ये जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेंपल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं। ये इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत गोल्ड है, जैसे टेंपल है उनके पास, वो उनके पास यूज करने के लिए काफी गोल्ड है। मिलेगा वो, हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो ये विग्रह कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 ईयर्स है उसमें आप देखें तो जो तमाम उनका बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का सोना चांदी और पैसे दान किए जा रहे हैं और ये चीज दिखाती है कि भारत आज भी एक सोने की चिड़िया है, क्योंकि भारतीय लोग अपने आराध्य के सामने सोने चांदी और पैसों को कोई भी महत्व नहीं देते। मैंने सुना है कि जो ये इंडिया में टेंपल्स हैं उनकी तहों में गोल्ड पड़ा होता है, उनकी तहों में मतलब उनके बेसमेंट्स में पूरी पूरी जगह वो गोल्ड से भरी होती है, तभी तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। तभी आप लोगों को मौका मिले ना तो इंडिया आए, और इंडिया आकर तिरुपति बालाजी मंदिर होके आए, और ये साउथ के, तो वहां आपको एक तालाब मिलेगा। वो हमारी मन्नत जो भी पूरी होती है तो उसमें हम कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के आते हैं, मतलब चढ़ा के आते हैं, तो वहां आपको दिखेगा हाथों के मोटे कड़े चेन्स और जो भी उस टाइम पर होता है वो सारा उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, आप कभी वैष्णो देवी मंदिर जाएं तो वहां पर एक जो दान पात्र होता है उसमें आपको नोट कम और गोल्ड ज्यादा मिलेगा। वी यूज टू डोनेट गोल्ड। वो चोरी नहीं होता क्या? कौन सा चोरी होगा? पाकिस्तान में तो मस्जिदों के बाहर से जूते चोरी हो जाते हैं, रफ चप्पलें चोरी हो जाती हैं। यकीन करें, ईद की नमाज मेरे बाबा पढ़ने के लिए जाते थे ना आज 2 साल पहले, तो यकीन करें वो रफ चप्पल ईद वाले दिन पहन के जाते हैं कि कहीं हमारे यहाँ तो मस्जिद के अंदर जो कूलर, पानी वाला कूलर होता है उसके साथ भी जंजीर में ताला बंधा होता है कि ग्लास कोई ना उठा ले। देखिए वो तो थोड़ा बहुत किसी टाइम पर इंडिया में भी होता था, अब वो काफी हद तक चेंज हो चुका है, माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। देखिए आपको कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा मिल जाती है तो उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जूते चप्पल चोरी होना और चेन का डब्बे में या कूलर में चेन बांध के रखना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। दरअसल हाल ही में एक बार फिर से प्रभु श्री राम के लिए करोड़ों अरबों रुपए का दान किया गया है और सोने चांदी के स्वर्ण आभूषण समेत कई और विशेष चीजों को उपहार के तौर पर अयोध्या भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि राम भक्त श्रीनिवास शास्त्री प्रभु श्री राम के लिए 8 किलो सोने चांदी से बनी चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर अयोध्या आ रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले कई राम भक्तों की
की तरफ से अमाबा मंदिर में 24 कैरेट शुद्ध सोने के धनुष बाण और कलशों को दान किया गया है। सोने चांदी और हीरे जवाहरात के अलावा राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए 10 करोड़ रुपए का नगद कैश भी दान किया गया है। अमाबा मंदिर राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के बीच में पड़ता है और यह मंदिर प्रभु श्री राम के लिए एक बहुत ही खास मंदिर है और इसीलिए इस मंदिर की मान्यता को ध्यान में रखते हुए राम भक्तों की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के उपहार दान किए गए हैं। नवबदेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय तीर धनुष पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को सौंपा जाएगा। सनातन धर्म संस्कृति रक्षा सुरक्षा मानवता की रक्षा सुरक्षा पूरे विश्व में अमन शांति स्थापित हो दुष्टों को संघार हो इसके नाते स्वर्ण नमय धनुष और बाण पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम को समर्पित की जाएगी। यहाँ जो स्वर्णमय छत्र है वो यहाँ अमाबा मंदिर में स्वर्ण कलश लगने जा रहा है वो भगवान राम की भव्य दिव्य मंदिर की खुशी में, क्योंकि राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी के बीच में अमाबा मंदिर है। पूज्य आचार्य कुणाल किशोर जी एवं उनके बेटे सैन कुणाल के उस में तो इसके नाते उत्साह है कि जब भगवान राम की भव्य मंदिर निर्माण हो तो ठाकुर जी से निवेदन के लिए इस शिखर पे स्वर्ण में कलश स्थापित की जाएगी। गोल्ड सिल्वर मोती और स्पेशली कुछ मूर्तियां इस तरह की बनी जिनमें लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति है जो सिर्फ अकेली वो मूर्ति 500 करोड़ रुपए की मालियत की है। तो जब उस इस टेम्पल के 5 तहखाने खोलेंगे तो सिर्फ 1,00,000 करोड़ का खजाना वहां पे पाया गया उधर। तो ये तो सबसे ज्यादा रिचेस्ट टेम्पल है पूरी दुनिया की। हाँ। और इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की। और यार कितना खूबसूरत, किस तरह से खूबसूरती से बनाया गया है। और हर मंदिर अपने आप में खूबसूरत है, लेकिन एक तो ये पद्मनाभ स्वामी मुझे अब बहुत प्यारा मंदिर लगा, और उसके अलावा एक मैंने जिसका जिक्र किया था ना वो जो गोल्ड से बताया था बना हुआ है। और आप लोग मुझे बताएं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि ये वही वाला मंदिर है जो रब ने बना दी जोड़ी में भी हमें दिखाया गया था जिसमें अनुष्का शर्मा आती है शाहरुख खान के साथ। तो वही लगा। फिर नंबर सेकंड में जो तिरुपति बालाजी था आंध्र प्रदेश में, तो वो भी उधर भी हमें बताया गया कि एक तो बड़ी एक बात बताएगी कि लोग अपने बाल भी बाल दान करते हैं, कुछ टाइम बाद वो बाल जो है बेच दिए जाते हैं। ये बताया था कि उसमें 30,000 लोग आते हैं और जब वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो वहाँ 5,00,000 तक लोग आ जाते हैं। तो जी 650 करोड़ रुपए सालाना यहाँ पर उनको बनता है और टोटल जो यहाँ की मतलब रेवेन्यू है 37,000 करोड़, मतलब मुंह से बोलना कहना आसान है। और उसके अलावा जो टेंपल्स है, मैंने यही बोला कि ये टेंपल्स हैं, हो गए मस्जिद होगी या चर्चेज होगी, ये सब जगहें हैं वर्शिप करने की, तो ये तो खूबसूरत है ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन हमने बेसिकली इसमें देख रहे थे रिचेस्ट कौन से है ना, तो ये दो तो सबसे रिचेस्ट है। फिर एक साई बाबा का मंदिर आया था और बताया गया कि यहाँ पे मतलब हर मजहब के हर धर्म के लोग आते हैं इस मंदिर में। मतलब है कि और शिरडी में है जहाँ पे साई बाबा ने अपनी लाइफ गुजारी थी और मुख्तलिफ चमत्कार किए थे। बहुत कई सालों की हिस्ट्री देख के मुगल एम्पायर से पहले की बात करें और अब जब भारत आजाद है तब की बात करें तो दोनों में फर्क ये है कि जी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और आज भी कहा जाता है जी। और दुनिया का 11% गोल्ड सिर्फ भारतीय विमेंस के पास है। आप अंदाजा लगाते जो कि मेरे ख्याल से 18,000 टन के करीब ये जो है गोल्ड और जो दिवाली में गिफ्ट दिए जाते हैं ये सिर्फ विमेन की बात करें। हाँ। गोल्ड के रिजर्व तो ज्यादा गवर्नमेंट के पास भी होते हैं और 8 किलो के जूते और फिर वो जो तीर कमान और इसके साथ हीरे जवाहरात और 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का राम टेंपल का नेकलेस भी जो है भगवान राम को जी गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा वो कुछ जो शायद हम अपनी किताबों में पढ़ा करते थे कि भारत के मंदिर ऐसे हुआ करते थे, आज भारत वो बता रहा है कि वो हुआ करते नहीं, वो एक्चुअली हैं। और जैसे पाक मीडिया यूट्यूबर्स भी हमने देखे बात कर रहे थे मस्जिद की, यस ये बड़ा एक शेमफुल एक्ट होता है जी कि एक ऐसी स्पिरिचुअल जगह जहां पर लोग अपने खुदा से कनेक्ट होने आते हैं और आप उनकी कीमत सामान वहां से चोरी करते हैं।
मेरे बाबा के साथ भी ऐसा हो चुका है, एक दफा नहीं ईद की नमाज में ये बहुत, या जुम्मे वाली जुम्मे के दिन एक दफा नहीं कई बार हो चुका है कि जूता जो है चोरी हो जाता है। और इसलिए लोग बोलते हैं कि जब आप जुम्मे वाले दिन या ईद वाले दिन नमाज पढ़ने जाओ तो घर के सब से मतलब कि ठटारा जूती पहन के जाओ, जो चोरी भी हो जाए दुख ना हो। और अगर मैं अपने बाबा की बात करूं तो वो हमेशा बहुत अच्छे जूते पहनते हैं। कुछ लोगों को परफ्यूम्स का शौक होता है, कुछ को घड़ियों का, तो मेरे बाबा जो थे वो स्पेशली ऑर्डर पे मतलब के प्योर लेदर के कुछ इस तरह के जूते वो अब पहना करते थे। अब तो खैर बहुत बूढ़े हो गए हैं तो वो आप मेडिकेटेड जूते वगैरह आप चलते हैं, तो वो जब भी जाते थे जुम्मे की नमाज पढ़ने और अगर वो अपने ही जूतों में चले जाते थे जो एक्चुअली वो पहन देते थे, तो वो कभी उन जूतों में वापस नहीं आए। मस्जिद की जो टॉयलेट वाली जूतियां थी उसमें आते थे और अक्सर कहा करते थे कि जी चोरी हो गई है। तो ये चीजें होती हैं और सबके साथ हुई होंगी जारी बात है। और जो मस्जिद की अगर बात करें तो मस्जिद की वॉल क्लॉक का चोरी हो जाना, एसी का, कारपेट्स का, जानमाज का, मतलब चोर को इतनी शर्म भी नहीं आई कि वो कहां से चोरी कर रहा है। ये बात है। और भारत की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई वक्त वक्त की बात होती है, आज भारत के अंदर मिडिल क्लास भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आज भारत के अंदर ब्रांड्स कंजप्शन भी ज्यादा हो गई है, आज भारत के अंदर गोल्ड रिजर्व भी मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो जिस दौर से आगे भाग रहा है उसके लिए सोना चांदी करोड़ों रुपए एक नॉर्मल सी चीज हो गई है। इतना तो हमारी गोल्ड की शॉप के सिर्फ जूतों का वेट 8 किलो गोल्ड ग्राम्स में होता है, 1 तोला 2 तोला 3 तोला, यहाँ पे हम किलो की बात करें। और जो सोने के दरवाजे हैं 13 सोने के दरवाजे हैं और बाकी 33 गोल्ड प्लेटेड दरवाजे हैं उसमें। तो जी ये एक बहुत एक शानदार आर्किटेक्चर तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसकी ग्लोरी है, जो उसकी एक डिमांड लाइट जो इंडिया में पड़ी है वो एक बहुत कमाल की है। और इसके साथ साथ एक बार मैं ये भी कहूंगी कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है जो इसके साथ है, वो कहते हैं कि भारत का सबसे अमीर ट्रस्ट है। जितनी डोनेशंस उनको मिल रही हैं, आप सोचें कि उनकी जो इस वक्त नेटवर्थ है वो करोड़ों डॉलर्स। और ये जस्ट एक मंदिर है, हमने काफी ऐसे मंदिर देखे हैं जिसमें लोग अपनी प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी के कागजात वहां पे दे रहे हैं और सोना दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। वो सर की बात बिल्कुल ठीक है, वहां पर आपको पैसे कम ज्वेलरी ज्यादा दान करते हुए लोग नजर आएंगे, उनके पास जो भी होता है वो वहां पर दे देते हैं। गोल्ड बहुत ज्यादा, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा गोल्ड पहनते हैं और वो गोल्ड को कीमती समझते हैं और वो उनको वहां पर जी डोनेट करते हैं, कड़े चूड़ी बहुत कुछ। इंडियन खवातीन की अगर बात करें तो हमें बहुत ज्यादा सजी नजर आती है, बहुत ज्यादा गोल्ड पहनती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी नई नई शादी हुई है और जाहिर है गोल्ड ससुराल की तरफ से भी मिलता है और अम्मी अब्बा की तरफ से मिलता है, लेकिन हमें आदत ही नहीं है पहनने की, एंड स्टिल मैं नहीं वेयर कर सकती। एक चीज है ना, मतलब होता है कि आप कैरी कर लेते हो, लेकिन इंडियन विमेन बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, गोल्ड बैंगल्स पायल्स भी पहनती हैं, रिंग्स भी हैं, और हमें आदत ही नहीं है, तो जब मिल भी जाए वो पहना राज के अंदर ही पड़ा होता है। हाँ ये बात ठीक है, शादी वगैरह में ही पहना जाता है। तो खैर बेस्ट ऑफ लक जी, वो दिन बहुत जबरदस्त होगा, लाइव हम देखेंगे, और क्योंकि हमने बहुत से प्रोग्राम इस टॉपिक पे रिकॉर्ड भी किए हैं और रिएक्शन भी दिया है। सो बेस्ट ऑफ लक, आई एम सो एक्साइटेड टू सी द ग्रेट इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ राम मंदिर। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपकी क्या राय आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। God bless you.